आज IPL का 45वां मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। ये शानदार मैच सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच था। इस मैच में जहां राजस्थान के गेंदबाजों ने जोहर दिखाए, वहीं उनके बल्लेबाज भी पीछे नहीं रहे। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। हैदराबाद की टीम की शुरुआत डेविड वार्नर और केन विलियमसन द्वारा की गई। शुरुआती दौर में इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों द्वारा स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया गया, लेकिन चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर केन विलियमसन 13 रन बनाकर श्रेयस गोपाल का शिकार हुए। केन विलियमसन गोपाल की गुगली को समझ नहीं पाए और गेंद सीधा विकेटों से जा टकराई। उसके बाद क्रीज पर उतरे मनीष पांडे ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस बीच डेविड वार्नर और मनीष पांडे द्वारा कई बेहतरीन शॉट खेले गए। 13वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर 37 रन बनाकर थॉमस की गेंद का शिकार हुए और स्टीव स्मिथ द्वारा कैच आउट कर दिए गए। मनीष पांडे द्वारा कुछ बेहतरीन शॉट खेलते हुए अपने अर्धशतक को पूरा किया गया, लेकिन 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस गोपाल ने संजू सैमसन द्वारा कैच कराते हुए उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मनीष पांडे ने 36 गेंदों पर 61 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद हैदराबाद की टीम पारी को संभाल नहीं पाई और विकेट गिरने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। विजय शंकर 8, शाकिब अली हसन 9, दीपक हुड्डा 0, साहा 5 और भुवनेश्वर कुमार 1 रन बना सके। राशिद खान ने नाबाद 17 रन बनाते हुए राजस्थान के समक्ष जीत के लिए 161 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी राजस्थान की टीम ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। अजिंक्य रहाणे और लियाम लिविंगस्टोन ने अपनी बल्लेबाजी के जोहर दिखाते हुए स्कोर को 9वें ओवर में 78 रन तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान द्वारा लिविंगस्टोन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। लिविंगस्टोन ने 26 गेंदों पर 46 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर वार्नर द्वारा बेहतरीन कैच पकड़ते हुए रहाणे को भी वापसी का रास्ता दिखा दिया गया। संजू सैमसन और स्टीवन स्मिथ द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया गया, लेकिन स्मिथ भी 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर 22 रन बनाकर खलील अहमद द्वारा आउट कर दिए गए। सैमसन द्वारा 48 रन की नाबाद पारी खेलते हुए जीत का सहरा राजस्थान रॉयल्स के सिर पर बांध दिया गया। जयदेव उनादकट को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। IPL से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।